दोस्तों आज हम बनाते हैं चटपटा लहसुन का अचार। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ के जी लहसुन और उसमें से मैंने 20 से 25 लहसुन अलग निकाल लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा मैंने निकाल लिया है अदरक का, जिसको कि मैं बाद में इसका पेस्ट बनाऊंगी और बाद में इसको अचार में मिक्स करूंगी। तो सबसे पहले हम इस लहसुन में मिलाते हैं थोड़ा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें डाल देते हैं 1 कप विनेगर। यहां पर मैंने व्हाइट विनेगर लिया है और विनेगर डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर इसको मैं रख दूंगी 1 घंटा रेस्ट करने के लिए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए यहां पर मैंने चढ़ाई है गैस पर एक कढ़ाई और उसमें हम कुछ साबुत मसाले भूनेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं 4 बड़े चम्मच साबुत सौंफ, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। और इन सबको हमें भूनना है एकदम धीमी आंच पर, जब तक कि ये थोड़े से इसमें खुशबू नहीं आ जाती और इसका मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता है। तो इसको हम भून लेते हैं। भूनने से एक तो हमारे अचार में जो मसाले की खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है और मॉइस्चर भी नहीं होता है और हमारा अचार भी बहुत बढ़िया बनता है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें मिलाते हैं 2 बड़े चम्मच बारीक राई और 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों। इसको हम नहीं भूनेंगे क्योंकि इसको भूनने से क्या होगा कि ये कड़वी हो जाती है, इसलिए इसको हमें भूनना नहीं है। अब हमें इस पूरे मसाले को, साबुत मसाले जो है ये, इसको हमें प्लेट में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। अब ये मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। तो अब इसको मैं पीस लूंगी, दरदरा पीसना है इसे हमें और हमें इसे बारीक नहीं पीसना है। तो एक मिक्सर जार में इसको डालकर हम पीस लेते हैं। अब ये हमने मसाला पीस लिया है तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और फिर अब हम तेल गरम करेंगे अपने अचार के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप सरसों का तेल और इसको हम गर्म होने देंगे। अब हमारे यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो की, मैंने जो लहसुन लिए थे उसमें से 15 से 20 लहसुन ले लिए थे, अलग कर लिए थे और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, वो मैं इसमें डाल दूंगी। गैस इस समय हमारी बंद है। अब इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। अब हमारा अदरक और लहसुन पक चुका है तो हम इस तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। अभी हमारा तेल ठंडा हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग 1/2 टीस्पून और कलौंजी। गरम तेल में मसाले हम इसलिए नहीं डालते हैं, नहीं तो हमारे मसाले जल जाते हैं अगर हम गरम तेल में डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे अब जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था अचार का, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ जो इसको एक अच्छा कलर देगा, और थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं। हमने शुरुआत में भी लहसुन में नमक डाला था तो थोड़ा सा और डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अदरक और लहसुन कूट कर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अचार का। और जो यहाँ पर हमने कलौंजी डाली है इसको हम पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पीसा नहीं है क्योंकि कलौंजी अगर पीस कर हम डालते हैं तो थोड़ा सा अचार का मसाला काले रंग का हो जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर साबुत कलौंजी डाली है। अब इस मसाले को हम अपने विनेगर वाले लहसुन में मिक्स करेंगे। अब ये मसाला हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब इस अचार को किसी कांच की बर्नी में भरकर हमें करीब 20 से 25 दिन धूप में दिखाना है। अच्छी धूप होगी तो ये अचार जल्दी तैयार हो जाएगा।
और धूप में दिखाने से एक तो ये अचार के जो मसाले हैं वो अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं और हमारे लहसुन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं फ्लेवर्स सारे, और लहसुन भी नरम हो जाएगा। तो देखिए ये अचार हमारा तैयार हो गया। इसको हम इस तरह के किसी कांच के बर्नी में भर सकते हैं। तो आप ये अचार की रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और ये अचार ट्राई करके आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।